दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। एक समय की बात है, एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया था। काफी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर वह अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और उस बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो पेड़ बोला, उदास न हो तुम, मेरे कल सारे सेब तोड़ लेना और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लेना। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़कर ले गया, लेकिन वह बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। तो पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी पेड़ की सारी शाखाएं काट ली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला हो गया और उदास हो गया। अंत में वह काफ़ी दिनों बाद थका हुआ वहाँ आया। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना तो फल है और ना ही आपको देने के लिए लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ पर वह अपनी बाकी बची हुई जिंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। यही कहानी आज हम सबकी भी है मित्रों। इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था, और वह बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था। ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, और हमेशा भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, उनके लिए थोड़ा सा समय हमें निकालते रहना चाहिए। तो दोस्तों, रोज़ ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।